इनको में किसी के पैर में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट देकर ईशान लेगा बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि निशिकांत स्टूडेंट्स को तोड़ते नजर आता है, उनके मोटिवेशन को कम करते नजर आता है और कहता है कि अब तो सभी की दुकान ही नहीं बची, तुम लोग लड़के क्या करोगे, इससे अच्छा कि एग्जाम देने से इनकार कर दो, चैलेंज वापस ले लो। देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट्स ऐसा ही करते नजर आते हैं, जबकि सभी उनके लिए चाय घर से बनाकर लेकर पहुँचती है, लेकिन जब यहाँ पर सभी के स्टूडेंट्स मना कर देते सभी उनको मोटिवेट करने के लिए उनको कहती कि चलो कल को परसों को आप तुम आईएएस बनोगे ना, तब भी ऐसा ही करना और अपने आत्मसम्मान के लिए कभी मत लड़ना। जिसके बाद देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर स्टूडेंट सभी की बात सुनकर यहाँ पर एग्जाम देने पहुँचते हैं और ऐसा एग्जाम देते हैं जहाँ पर सभी बाहर भी गाना बजा कर यहाँ पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते नजर आती हैं और स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाती हैं, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स फैसला ऐसा एग्जाम देते हैं कि सारे स्टूडेंट्स 70% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं और ये रिजल्ट जो है ईशान के होश उड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि ईशान के उड़ जाएंगे होश जब सारे स्टूडेंट्स इस चैलेंज को पास कर लेंगे, और जैसे कि उन्होंने सोचा था कि सभी की दुकान वहाँ से नहीं हटेगी, इसी के बाद अब यहाँ पर ईशान बहुत बड़ा फैसला लेते नजर आएगा कि उस दुकान की भरपाई ईशान करेगा और साथ में ही सभी जो है अब कॉलेज में आकर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर सकती है और वहाँ पर उसको सारी फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर ईशान का फैसला उड़ा देगा निशिकांत राव साहब, यहाँ तक कि अब रीवा के होश। तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा ईशान का फैसला कैसे सभी का साथ देगा।